दोस्तों, जादू देखना तो सबको पसंद होता है और आपको भी होगा। जादूगर के अविश्वसनीय कारनामे देखकर हम अक्सर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। एक परफेक्ट जादू के लिए जादूगर को बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं और इन तैयारियों में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जादूगर की पूरी पोल खुल जाती है और कई बार ये गलती बड़े हादसे की शक्ल भी ले लेती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जादूगर की गलती से हुए कुछ ऐसे ही हादसों के बारे में। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल ऑनर ऑफ थॉट्स हिंदी पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो के नीचे दिख रहे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। NBA के मैच में हाफ टाइम के दौरान महिला जादूगर क्रिस्टन जॉनसन अपनी प्रसिद्ध जादुई ट्रिक दिखा रही थी, जिसमें उन्हें पानी से भरे एक कांच के टैंक में बंद कर दिया जाता है और बाहर से बहुत से ताले लगा दिए जाते हैं। उन्हें पानी के अंदर रहते हुए समय पर चारों तरफ लिपटी जंजीर से बाहर निकलना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। उन्हें पानी के अंदर तड़पता हुआ देख उनके साथियों ने उन्हें बाहर निकाला और उन्हें समय पर बचा लिया गया। आपको बता दें कि क्रिस्टन जॉनसन ये जादू पहली बार नहीं कर रही थी, बल्कि ये जादू वो 599 बार पहले भी कर चुकी थी, पर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। खैर, 4 महीने जादू से दूर रहने के बाद क्रिस्टन ने ये जादू दिखाना फिर से शुरू कर दिया और हमेशा इसे सफलतापूर्वक करके दिखाती हैं। दोस्तों, पोलैंड के एक टीवी शो पर पोलैंड गॉट टैलेंट के सेमी फाइनलिस्ट जादूगर पोलो निविक जादू दिखा रहे थे। जादूगर ने 4 पेपर बैग्स लिए और उनमें से एक में नुकीली कील छिपा दी। इसके बाद उसने टीवी होस्ट से पेपर बैग्स को एक एक करके दबाने को कहा, लेकिन जादूगर ये भूल गया कि उसने कील किस बैग में छिपाई थी और कील टीवी होस्ट के हाथ के बीचों बीच घुस गयी। टीवी होस्ट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी चोट जल्दी ही ठीक हो गई। लेकिन पोलो निवी की ये गलती उन्हें काफी महंगी पड़ सकती थी। वैसे आपको बता दूं, टीवी होस्ट को जादूगर पर इतना विश्वास इसलिए था क्योंकि टीवी शो की शूटिंग से पहले वो उन्हें ये जादू करके दिखा चुके थे। दोस्तों, सन 2007 में जापान की प्रसिद्ध महिला जादूगर प्रिंसेस तेन को अपना मशहूर जादू का खेल स्पाइक एल्यूजन इन द फेस ऑफ डेथ दिखा रही थी। इस खेल में तेंकू एक बक्से के अंदर बंद होती हैं और उनका साथी एक एक करके बहुत सारी तलवारें बक्से के अंदर घुसाता है। तेंकू को समय पर बक्से से बाहर निकल जाना था, लेकिन जादू की तैयारियों में हुई कोई गलती के कारण वो समय पर बाहर नहीं निकल पाई और तलवार से उनकी पसलियों, गाल और दाई आंख में चोट लग गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बक्से के बाहर तेंकू का खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने दर्शकों को निराश नहीं किया और उसी हालत में पूरे शो को खत्म किया। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे खतरनाक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऑनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।